आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मैक्स मीडिया सबा के साथ। कादरिया सीरतुन्नबी एकेडमी के ज़ेर एहतमाम आज जो है ख़वातीन का एक हिजाब के मुतालिक प्रोटेस्ट रखा गया था, जो हमारे अपने मुल्क की अमन की फ़िज़ा को बिगाड़ने की चंद शरपसंद अनासिर की जानिब से कोशिश की गई। मुल्क की दूसरी कौमों की मजहबी आज़ादी पर फ़िक़ा परस्त हुकूमत की दखल अंदाजी होगी, सदर मरकजी अंजुमन खादरी मौलाना अली खादरी का खिताब। आज गाजीपुरा शाली बंडा दरगाह हजरत ख्वाजा महबूब रहमतुल्लाह अलैह के पास कर्नाटक में पेश आए हिजाब तनाज़े पर मरकजी अंजुमन खादरी के एहतजाजी मुजाहरे के मौके पर मुखातिब करते हुए कहा कि अब मुस्लिम हिजाब पर तो मुस्तकबिल में मुल्क की दूसरी कौमों की मजहबी आज़ादी पर फ़िक़ा परस्त हुकूमत की दखल अंदाजी होगी। इस मौके पर ख़वातीन तंजीमों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। मौलाना अली खादरी ने मज़ीद कहा कि जब से मुल्क में BJP की हुकूमत क़ायम हुई है तब से मुल्क का पुरअमन माहौल गंगा जमुना तहजीब कौमी यकजहती का पामाल किया जा रहा है और सदियों से कायम भाईचारा आपसी इत्तेहाद को खतरे में डाल दिया जा रहा है। मुस्तकबिल में दूसरी कौमों जैसे सिख बरादरी की पगड़ी और दीगर ममालिक में रहने वाले लोगों की मजहबी शनाख्त को मिटाने की कोशिश की जाएगी। मौलाना अली खादरी ने कर्नाटक की बहादुर मुस्कान खान के जज्बे की तायीद की और कहा कि मुस्लिम लड़कियां तालीम भी हासिल करेंगी और हिजाब को भी नहीं छोड़ेंगी। मौलाना ने BJP हुकूमत को मशवरा दिया कि वो हिंदुस्तानियों को हासिल हुकूक में मदाखलत ना करें।